हेल्प डेस्क जो है वाला नाजी भवन में है ये होगा, नीचे नीचे ये सब लगा दिया गया। कल 11 में सूचना का प्रकाशन होगा और उसका नामांकन का प्रक्रिया उसी वक्त से शुरू हो जाएगी। नामांकन के लिए 4 कक्ष बनाए गए हैं, पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के लिए अनुमंडल पदाधिकारी का जो कक्ष है उसमें नामांकन लिया जाएगा। बाकी 3 कक्ष में 1 से 9 वार्ड कक्ष नंबर 1 में, 10 से 18 वार्ड कक्ष नंबर 2 में जो दोनों ऊपरी तल पर है, और कक्ष नंबर 3 में 19 से 26 वार्ड का नामांकन लिया जाएगा। कैंडिडेट की सुविधा के लिए हमने हेल्प डेस्क बनाया है जो गांधी भवन में पर्याप्त संख्या है, वहाँ पर पर्याप्त संख्या में पदाधिकारी एवं कर्मी की नियुक्ति की गई है। पहले वहाँ जाएंगे कैंडिडेट, अपना फॉर्म वगैरह पूरा चेक करवा लेंगे, संतुष्ट होने के बाद इधर नामांकन के लिए आएंगे। जगह जगह CCTV कैमरा लगा दिया गया है और वीडियोग्राफर भी हमारे काम करेंगे। जो अनुमंडल साइड से रोड जो मुख्य सड़क है मुजफ्फरपुर जाने वाली, अनुमंडल साइड से प्रवेश द्वार रहेगा, प्रवेश द्वार पे ही जो वाहन से आएंगे कैंडिडेट या उसके समर्थक वो वहीं तक आएंगे, वहाँ से रुक जाएंगे, वहाँ से केवल कैंडिडेट, उसके प्रस्तावक और समर्थक अंदर आएंगे और उसी रास्ते से फिर वापस जाएंगे। तो सारी व्यवस्था हो गई है, नामांकन के लिए भी, विधि व्यवस्था संधारण के लिए भी 144 पूर्व से ही लागू है और सारे पॉइंट्स पर मजिस्ट्रेट पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। और उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे अभ्यर्थी आएंगे नामांकन के लिए उनको भी सुविधा, असुविधा नहीं हो, उसका पूरा ख्याल रखा गया है।